अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन .com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं बेहतरीन से कबाब जिसका नाम है चिकन शामी कबाब। वैसे बहुत ही लजीज बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम अच्छे हल्के हल्के क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं जब आप हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। आप चाहें जो लाल चटनी आती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये दोनों टाइप की चटनियाँ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने मटन शामी कबाब भी मेरे चैनल पर अपलोड किया है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिए। और खूब सारी माशाल्लाह रमज़ान की रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर डाली है, आप लोगों के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 500 ग्राम चिकन का कीमा है, दो तीन पानी से धो लिया मैंने, 10-15 मिनट के लिए निकालने रख दिया था साइड पर। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं और उसके मोटे मोटे ये आप मीडियम पीस करके उसे भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने डाल दिया पतीली में, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें। वैसे ये घर में बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड किया है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिए। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डेढ़ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम भी डाल सकते हैं। अब डाल दीजिए गरम मसाले, ये 2 डंडी छोटी दालचीनी की है, 1 छोटा चम्मच जीरा है, साबुत जीरा, सफ़ेद जीरा जिसे कहते हैं, 1 काली इलायची है बड़ी वाली, ये है 3/4 छोटा चम्मच काली मिरी, छोटा सा बादियान है पीस 3 फूल का आप देख सकते हो, और 8-10 लौंग है, ये भी सारे डाल दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो ऐसे ही ना डाल के पहले इसे पीस लें बिना पानी डाले और पाउडर बना के इसे डाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्चियाँ तोड़कर डाल दीजिए, 3 साबुत जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है वो डाल दीजिए, और मैं यहाँ कम डाल रही हूँ दोनों, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब डाल दीजिए 1 मीडियम साइज़ की प्याज मोटी मोटी काट कर, 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना पुदीना डाल दीजिए, 1 से 2 टेबल स्पून जितना बारीक कटा हुआ कोथमीर डाल दीजिए, 4 छोटे चाय के चम्मच भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया। यहाँ पर मैंने साइड पर ये जो 1/2 कप चने की दाल है ना, इसे 1-1.5 घंटे पहले 2-3 पानी से धो लिया और भिगा के रख दिया था पानी के अंदर, तकरीबन 1.5 घंटे तक भीग रही थी, और अभी मैं इसे नितार कर डाल देती हूँ। भिगाना ज़रूरी है, सो दैट आप भिगाओगे ना तो ये जल्दी गल जाएगी। 3/4 कप पानी डाल दीजिए इसके अंदर, चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर और मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो ढक कर 15-20 मिनट के लिए इसे स्लो पर पकने दें, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती और ये जो हमारी दाल है ये गल नहीं जाती, तब तक पकाएं। चलिए 20 से 25 मिनट हो चुकी है, खोलकर चेक कर लीजिए, ये देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैंने सिर्फ 3/4 कप पानी इसके लिए डाला था क्योंकि इसका खुद का पानी निकलता है चिकन का, आप देख सकते हैं चिकन तो बहुत अच्छे से हो चुकी है लेकिन दाल भी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैश करना है। अब आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं और नीचे लग रहा है, इसका मतलब प्रॉपरली हो चुका है। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और ठंडा होने के लिए रहने देती हूँ, लेकिन अगर आपका थोड़ा भिजभिजा लगे तो मीडियम आंच करके पूरी तरीके से पानी सुखा लीजिएगा। जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाए ये मिक्सचर जो हमने बनाकर रखा है चिकन का, तो इसे थोड़ा थोड़ा मिक्सर जार के अंदर डालें। मैं अभी इसके साथ थोड़ा कोथमीर और थोड़ा पुदीना डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप इस समय हरी मिर्चियाँ भी डाल सकते हो, बट मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहती हूँ बच्चों की वजह से, इसके लिए मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये डालकर बहुत अच्छे से बैचेस में पीस लीजिए, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से सारा पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब यहाँ एक अंडा फोड़कर डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप उससे पहले, अंडा डालने से पहले नमक चख लें, अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जब आप अंडा डालोगे तो हल्का लूज लगेगा आपको, तो आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और इस समय मैं क्या करती हूँ, देखिए ये आप देख सकते हैं, थोड़े थोड़े अगर जो पीसे हुए नहीं होते गर्म मसाले
तो मैं पहले इसे देख लेती हूँ हाथों की मदद से कि अगर ऐसे लग रहे हैं बीच में कोई बड़े बड़े से, तो उसे निकाल कर मैं फेंक देती हूँ। आप चाहें तो पीस कर भी वो गरम मसालों को डाल सकते हैं। चलिए मैं तो यहीं से ही शुरू कर रही हूँ इसे वारना। आप चाहें तो एक घंटे या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ी बॉडी आ जाए उसके बाद आप कर सकते हो। थोड़ा सा हाथ में तेल लीजिए, छोटा सा पोषण मिक्सचर लीजिए चिकन का, और इस तरीके से रोल करें और चपटा बनाएं, और ये बन गई हमारी शामी कबाब चिकन की। इसे साइड पर रख दें, इसी तरीके से सारे बना लें शामी कबाब। अच्छा, अगर आप मिक्सचर बड़ा ज़्यादा ज़्यादा लोगे तो कम बनेंगे, और अगर आप कम लोगे तो ज़्यादा बनेंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ मिक्सचर लिया है, तो तकरीबन 14 बने हैं आधा किलो में। चलिए अब हम फ्राइंग के तरफ जाते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर तेल डालिए अच्छे से। अच्छा, इसे डीप फ्राई नहीं करना है, शालो फ्राई करना है। फास्ट आँच पर चूल्हा चालू कर दीजिए, अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के 3-4 एट अ टाइम डालें हमारी चिकन शामी कबाब को, और समझिए ना 8-10 सेकेंड के लिए पकने दें। जब 8-10 सेकेंड हो जाए और आपको लगे कि नीचे बेस अच्छा फॉर्म हो गया होगा, तो उसे पलट दें। उलट पलट करते जाए, और दोनों ओर से जब गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए, तब निकाल कर इसे टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से आप सारे फ्राई कर लें। तो ये रेडी हो गए मेरे गर्मा गर्म मजेदार से, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी चिकन शामी कबाब। मैं इसे हरी चटनी के साथ लगा कर खा रही हूँ, आप चाहे तो टमाटर सॉस के साथ भी लगा कर खा सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।